हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू भरतपुर राजस्थान से। देखिए आज ये मेरा कॉस्मोस का प्लांट, देखिए देखो कितने बड़े बड़े इसमें मेरे हथेली के बराबर के फ्लावर उग रहे हैं इसमें। अब ये फ्रेंड्स, मैं इसकी केयर के बारे में आज आपको बताऊंगी। इसमें क्या है, देखो इसको अपन छोटे गमले में लगाएंगे ना तो ये प्लांट कम फैलेगा, छोटे फूल आएंगे और प्लांट ख़त्म भी जल्दी हो जाता है। और जब इसको बड़े गमले में लगाएंगे तो देखिए कितना बड़ा प्लांट हो रहा है मेरा। ये 12 इंच के गमले में है ये, और ये देखो ये कम से कम ये 3 फीट ऊंचा जा रहा है मेरा प्लांट। पता नहीं इसमें आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन देखो आप, है ना। और इसी का दूसरा प्लांट मैं दिखाऊँगी आपको, वो मेरा 6 इंच के गमले में लगा हुआ है, उसमें फ्लावर भी छोटे आ रहे हैं और प्लांट इतना हेल्दी भी नहीं लग रहा है जितना ये है। तो इसका जब भी अपन ये लगाते हैं प्लांट, तो प्लांट की ग्रोथ के हिसाब से ये देखें कि भाई कितना बड़ा पॉट इसके लिए ज़रूरी होता है। अगर अपन पॉट का साइज अच्छा रखते हैं ना तो फिर प्लांट अच्छा चलता है। मैं देखो इसी में मेरे बालसम के लगे हुए हैं, बालसम के भी मेरे एक छोटे पॉट में लगे हुए थे, वो सर्दियों में चले गए, मतलब ज़्यादा नहीं चला, सर्वाइव नहीं कर पाए। ये इसमें एक के साथ एक थे ना, तो अपन ऐसे प्लांट लगाते हैं तो भी प्लांट जल्दी चलते हैं, अच्छे चलते हैं हमारे जब साथ में होते हैं। तो कटिंग का भी यही है फ्रेंड्स, कटिंग जब हम लगाते हैं ना तो एकदम खाली गमले में जब हम कटिंग लगाएंगे तो उसमें मॉइस्चर का भी ध्यान नहीं रह पाता है, मॉइस्चर क्रिएट नहीं रह पाता है और मिट्टी भी उसकी सेट नहीं होती है, तो उसमें भी प्लांट नहीं चल पाता है, वो कटिंग अच्छी नहीं चलती है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब हम ऐसे प्लांट में लगा उसमें गमले में लगाते हैं ना कि भाई नीचे जड़ बहुत ज़्यादा फैली नहीं हो, इसमें जड़ ज़्यादा नहीं फैली हो, स्पेस हो साइड में और प्लांट ऊपर हो अच्छा, तो उसके मॉइस्चर में अपना प्लांट अच्छा, जब वो कटिंग अच्छी चलती है। ये देखो मैंने इसमें कटिंग लगाई थी, ये देखो बोगनवेलिया की कटिंग, ये थी दिख रही होगी आपको, देखो अच्छे से चल रही है। किसी में और भी एक और कटिंग है यहाँ पे लगी हुई है ये, अब ये दोबारा फूट आएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। पत्तियाँ झड़ गई हैं इसकी सर्दियों में, और ये मेरे बालसम के लगे हुए हैं। जब हम ऐसे मिक्स एंड मैच करके लगाते हैं प्लांट्स को तब भी प्लांट अच्छे चलते हैं, बहुत अच्छे प्लांट चलते हैं। और इसका मैं दूसरा दिखाती हूँ आपको, देख कितना सुंदर फूल खिल रहा है, देखो ये देखो ये इसका कॉस्मोस का ही दूसरा प्लांट है ना, ये छोटे गमले में लगा हुआ है, इसमें मिट्टी भी कम है, उतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं है। और जैसे अपन प्लांट को रखते हैं ना, जैसे दीवार से दूर रखे हैं, मूव करते रहे ना तो प्लांट अच्छा चलता है। अब ये प्लांट एक साइड में रखा रहा, देखो इसकी ग्रोथ एक साइड में ही हुई है और फ्लावर का साइज़ भी इतना बड़ा नहीं है इसका, देखो छोटा है फ्लावर इसका, एक ही सीड है, है ना। मौसम भी एक सा है लेकिन लोकेशन और प्लांटर का अंतर है, तो इसका ध्यान रखें और लगाते वक्त पौधे का कि भाई हमें कितना बड़ा पॉट उसके लिए ज़रूर चाहिए। एक इसका पॉटिंग सॉइल बिल्कुल गार्डन सॉइल है, कोई विशेष नहीं है उसमें, 80% या 75% मान लो आप गार्डन सॉइल ही है, बाकी उसमें ये काउडंग कंपोज है, बर्मी कंपोज है, नीम की खली भी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। और बाकी जैसे मैं सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं उनको भिगो देती हूँ तो उनका पानी वगैरह ये मैं डालती रहती हूँ, बस यही है। और फुल सन में रखें इसको, बस इसकी यही केयर है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और प्लांट लगाते रहिए।